अयोध्या में राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर, 5 अगस्त को हो सकता है राम मंदिर का भूमि पूजन। लखनऊ में विधानसभा के बाहर आत्मदाह की कोशिश के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, पुलिस ने बताया साजिश, AIMIM और कांग्रेस नेताओं पर उकसाने का आरोप, दो लोग गिरफ्तार। आत्मदाह की कोशिश के मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, लोकभवन चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, अमेठी के जामो थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी में शुरू हुई नवीन रोजगार छतरी योजना, 4,000 कामगारों को मिलेगा योजना का फायदा, मुख्यमंत्री योगी ने 3,484 लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की लोन की रकम। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लागू, सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी पाबंदी, आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं। गौतम बुद्ध नगर में वीकेंड लॉकडाउन का असर, DND पर की जा रही है वाहनों की चेकिंग, वैलिड ID कार्ड चेक करने के बाद दी जा रही है अनुमति, आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। लखनऊ में भी दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर, वाहनों की सख्ती से की जा रही है चेकिंग, लोगों के मास्क और पास किए जा रहे हैं चेक। वाराणसी में भी दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर, लोगों ने घर से नहीं निकलकर लॉकडाउन का किया सपोर्ट, वाहनों की सख्ती से की जा रही है चेकिंग। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए देहरादून समेत 4 जिले हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में वीकेंड लॉकडाउन किया गया है, इस दौरान जरूरी सेवाओं को बहाल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन, रक्षा मंत्री के साथ CDS बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, शोपिया मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, अमशीपुरा गांव के घर में छिपे थे सभी आतंकवादी। मथुरा पहुंचे ADG आगरा अजय आनंद, SSP के साथ जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की, मथुरा के टॉप 10 बदमाशों की तैयार की जा रही है सूची। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश साजिद को किया गिरफ्तार, थाना सेक्टर 20 में हुई मुठभेड़। अल्मोड़ा में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की, इस दौरान अधिकारियों ने पूरी तैयारी के साथ जब वो नहीं पहुंचे तो नाराजगी जाहिर की गई। झांसी के नवाबाद थाना इलाके में चलती कार में लगी अचानक आग, कार में सवार 2 लोगों ने किसी तरह कूद कर बचाई अपनी जान। पीलीभीत में टिड्डियों की रोकथाम के लिए किया जा रहा है ड्रोन का प्रयोग, ड्रोन में 10 लीटर दवा ले जाने और छिड़कने की क्षमता, ड्रोन की आवाज से भाग रहे हैं टिड्डी दल। अयोध्या में प्राथमिक स्कूल की टीचर पर धारदार हथियार से हमला, मौके से फरार हुआ आरोपी युवक, घायल टीचर को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उधम सिंह नगर में टिड्डी दल का अटैक, किसानों ने टिड्डी दल को भगाने के लिए किए कई जतन, गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ा हुआ चौंकाने वाला खुलासा। गौतम बुद्ध नगर के दादरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की OPD का एक पर्चा वायरल, जो कि विकास दुबे के नाम से बनवाया गया था, एनकाउंटर वाले दिन बना था पर्चा। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश पर पशु तस्करी और गोकुशी समेत 24 मामले दर्ज। राजस्थान में फोन टैपिंग की, BJP ने CID जांच की मांग की, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर आई। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश के आरोप में SOG ने संजय जैन गिरफ्तार, ECB मुख्यालय में FIR दर्ज, विधायक भंवरलाल शर्मा को किया नामजद। सैटेलाइट तस्वीरों में भारत के खिलाफ चीन की साजिश का खुलासा, 15 जून की पेंगोंग लेक इलाके के तोपखाने में तैनात किए गए, लेह से 332 किलोमीटर दूर होटान एयरबेस पर लड़ाकू विमान तैनात। 24 घंटे में कोरोना के 34,883 नए मामले, 671 लोगों की मौत, एक दिन में 3,61,000 से ज्यादा टेस्ट। देवप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, दूता घाटी में पूरी सड़क धसी, हाईवे खुलने में लग सकता है 2 दिन का वक्त। मेरठ में एक दिन में पुलिस ने एक के बाद एक 3 मुठभेड़ में 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसा।
चीन के कारोबारी और अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा के अमेरिका में दाखिल होने पर रोक लग सकती है। अमेरिका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की एंट्री बैन करने पर भी विचार कर रहा है। भारत बायोटेक की ओर से विकसित किए जा रहे कोरोना वैक्सीन का 375 इंसानों पर परीक्षण किया गया, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद पर लोगों को घरों में ही नमाज अता करने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया कि लोग मस्जिद, ईदगाह या सार्वजनिक जगह पर नमाज अता ना करें। आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नाम का डिसइंफेक्ट सिस्टम तैयार किया। ये सिस्टम किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से ऑपरेट किया जा सकता है, कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे को सैनिटाइज कर देगा।